हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं वोक्स वैगन टी रॉक का। ये वोक्स वैगन की तरफ से आने वाली सब फोर मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है और इसका डायरेक्ट राइवल है ह्युंडई क्रेटा एंड किया सेल्टॉस। तो इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा वोक्स वैगन NCR ईस्ट का, जिन्होंने मुझे एक कार दी रिव्यू करने के लिए। शोरूम की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आपको वोक्स वैगन कोई भी प्रोडक्ट लेना हो तो इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हाँ गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। साइड से आप देखेंगे तो पहले तो ये आपको थोड़ी कॉम्पैक्ट सी देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली जो प्राइस रेंज है और इसका जो कंपटीशन है उस हिसाब से इसका लेंथ काफ़ी कम है। फ्रंट से चालू करते हैं तो यहाँ पे आपको बड़ा सा वोक्स वैगन का लोगो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाएगा, प्रोजेक्टर लाइट है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प है। और यहाँ पर आपको क्रोम सराउंडिंग मिल जाएगी पूरी ही, देख सकते हैं क्रोम सराउंडिंग जो इसके वोक्स वैगन के ग्रिल को ऐसे शो करता है। और सेम ऐसे ही हर गाड़ी में आपको ग्रिल देखने को मिलती है। यहीं पे नीचे आपको DRL देखने को मिल जाएगी जो कि इंडिकेटर की तरह भी काम करते हैं। यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट में चार पार्किंग सेंसर आपको मिलते हैं। नीचे आपको फॉग लैम्प मिल जाता है, फॉग लैम्प भी आपको हेलोजन ही मिलता है। और ये फ्रंट से डिज़ाइन देख लो, काफ़ी बढ़िया मिनिमलिस्टिक सा डिज़ाइन और थोड़ा इसे फंकी बनाने की कोशिश करी गई है। यहाँ पे आपको फ्रंट स्किड प्लेट देखने मिल जाएगी, फेक है ऑब्वियसली। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडिएटर दिख रहा है, बढ़िया सा इंटेक आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी बढ़िया। यहाँ पे आपको बोनेट पे भी आप क्रीसेस वगैरह काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। ब्लैक कलर में इतने सारे क्रीसेस आपको देखने को नहीं मिल रहे, बट स्टिल क्रीसेस गाड़ी में आपको हर जगह देखने को मिलेंगे और बहुत ही फंकी डिज़ाइन इसका लग रहा है। यहीं पर हम साइड व्यू की तरफ बढ़े तो यहाँ पर आपको 215/55 के 17 इंच के अलावा देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट और बैक दोनों में ही आपको डिस्क देखने को मिलेगा, देख सकते हैं काफ़ी ही चंकी टायर। यहाँ पे आपको क्लैडिंग देखने को मिल जाएगी थोड़ी सी वहाँ पीछे तक। और साइड व्यू आपको एक और बार दिखा देते हैं सही से। इसकी जो लेंथ है वो 4.2 मीटर इसकी लेंथ है। और देख लो इसका डिज़ाइन, थोड़ा इसके कॉम्पिटिशन से छोटा है बट ऑब्वियसली काफ़ी ही देखने में बढ़िया लगती है। यहाँ पर आपको दोनों ही साइड रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएंगे। बटन नहीं है, आप यहाँ पर बस करेंगे और ये अनलॉक हो जाएगी, ऐसा कुछ यहाँ पर सिस्टम है इसका, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया। पीछे आपको काफ़ी स्लोपी रूफ देखने को मिलेगा। ये आपको थोड़ा सा जो है हैचबैक की तरह देखने में लगेगी क्योंकि ये बेस्ड है वोक्स वैगन गोल्फ पे जो कि एक परफॉर्मेंस हैचबैक है। यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर देखने में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रूफ रेल मिल जाएंगे जो कि वर्किंग नहीं है। ऊपर आपको सनरूफ भी देखने में मिलता है। यहाँ पे छोटा सा शार्क फिन एंटीना और देख सकते हैं पीछे से इसका डिज़ाइन, थोड़ा सा इसका डिज़ाइन जो है टिकवान की तरह देखने में मिल लग रहा है। जैसे वोक्स वैगन की कार आती है ऑब्वियसली वैसा ही डिज़ाइन है, वैसा ही कैरी फॉरवर्ड किया गया है और देखने में बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे आपको LED टेल लाइट देखने में मिल जाएगी, बहुत ही सुंदर लगती हुई। यहाँ पे वोक्स वैगन का लोगो जिससे आप बूट भी ओपन कर सकते हैं, अभी ओपन करेंगे। यहाँ पे टी रॉक की बैजिंग आपको देखने में मिल जाएगी, बूट देख लेते हैं। तो इसमें आपको 445 लीटर का बूट स्पेस देखने में मिल जाता है, फ्लैट है बिल्कुल, कोई भी इसका लोडिंग लिप नहीं है। यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है छोटा साइज़ का, 16 इंच का ये स्पेयर व्हील है। और यहाँ पे आपको हुक मिल जाएंगे दोनों ही साइड और यहाँ पे भी कुछ सिस्टम है, यहाँ पे भी आपको हुक देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं अच्छा खासा स्पेस है। और इसे बंद करने के लिए आप ऑब्वियसली आपको ऐसे ही बंद करना पड़ेगा। यहाँ पर डमी बटन दे रखा है बट इसमें कुछ भी नहीं है, इसे बंद करते हैं। और इसका डिज़ाइन देख लो यार, काफ़ी बढ़िया, बहुत ही सही लगती हुई। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, जो इसका कैमरा है रिवर्स कैमरा वो आपको यहाँ कहीं देखने को मिलता है, इसके नीचे मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्रोम लाइनिंग आपको देखने को मिलेगी पूरी, ए पिलर तक एक क्रोम लाइनिंग जाती हुई। बी पिलर इसका पियानो फिनिश में है। और यहाँ पर आपको 56 लीटर का टैंक मिल जाएगा, यहाँ से आप पेट्रोल डाल सकते हैं। इंजन की बात अभी आगे करेंगे। यहाँ पर आप चलते हैं इसकी रेयर सीट पर, पहले इसका डोर पैनल देख लेते हैं। सिंपल सा डोर पैनल है, ऑल ब्लैक। यहाँ पे अलग टाइप का यहाँ पे फिनिश देखने में लग रही है, टेक्सचर अलग है बट वही सेम हार्ड प्लास्टिक है, सब हार्ड प्लास्टिक है।
यहाँ पे अलग प्लास्टिक है, यहाँ पे विंडो के कंट्रोलर्स, जिसमें आपको यहाँ पे मेटल फिनिश मिलेगी। इसमें आपको वन टच अप एंड डाउन वाला फीचर देखने में मिलता है। अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं है इसलिए हो नहीं रहा, आगे दिखाएंगे। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाएगा अच्छा खासा, और यहाँ पे स्पेसिंग देख लो, अच्छी खासी स्पेसिंग है। यहाँ पे जो लेदर है वो आपको तीन कलर में देखने में मिलेगा, यहाँ पे बेज हो गया या थोड़ा ब्राउन कलर का और ब्लैक कलर का। तो काफ़ी मिक्सचर सा और फंकी सा डिज़ाइन बनाने की कोशिश करी है। यहाँ पे आपको आइसोफिक चाइल्ड माउंट मिल जाते हैं, तीनों ही सीट पे सीट बेल्ट मिल जाती है। तो इसमें आप बैठ के देखते हैं कि हमें कितना स्पेस मिलता है। मैं अपने हाइट की बात करूँ तो मेरी हाइट है 5'8" और मेरे हिसाब से तो यार बहुत ही बढ़िया स्पेस है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी और इसे आगे तक मैं इसे एक्सटेंड कर सकता हूँ पैर को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, और ये सीट्स जो है 60-40 स्प्लिट हो जाती है, यहाँ से और यहाँ से स्प्लिट हो जाएगी ईजिली, आप ऐसे कर सकते हैं स्प्लिट, तो इससे आपका बूट स्पेस काफ़ी बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं तीन कलर के, यह काफ़ी आफ्टर थॉट लगता है क्योंकि इसका जो लेदर का कलर है वो अलग है, बट इसे ऑब्वियसली थोड़ा अलग डिज़ाइन दिखाने के लिए इसकी कलर ग्रेडिंग अलग अलग करी गई है। यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाएगा, और कप होल्डर में भी आपको एक पार्टी ट्रिक मिलेगी। यहाँ पे आप कप होल्डर का साइज़ डिसाइड कर सकते हैं इसे मूव करके, तो ये काफ़ी कूल है। और यहाँ से आप अपना बूट भी एक्सेस कर सकते हैं ईजिली, देख सकते हैं यहाँ पे बूट आप एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दो टाइप सी चार्जिंग स्टेशन मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको एसी के वेंट देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप पे आईफोन नहीं है तो आपको दिक्कत होने वाली है। यहाँ पे आपको मैसिव हम्प मिल जाएगा जिससे तीन जने को बैठने में थोड़ी परेशानी होने वाली है, देख सकते हैं पैर रखने में बिल्कुल दिक्कत है, यहाँ पे रख नहीं सकते। यहाँ पे डिफरेंट फिनिश है, पता नहीं क्यों थोड़ा अलग है, तो तीन लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत होगी इसमें, ये तो बात श्योर है। यहाँ पे आपको LED लाइट मिल जाती है, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल और हुक मिल जाता है, इस साइड भी आपको यही सेटअप देखने में मिलता है। पीछे से इसका इंटीरियर बहुत ही शानदार सिंपल सा लगता है देखने में, अभी आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। देख सकते हैं डिज़ाइन काफ़ी ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब चलते हैं इसकी फ्रंट सीट पे, तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने में मिल जाता है, और यहाँ पे जो इसका ORVM है ये हीटेड ORVM है, प्लस इसमें एक और ट्रिक है वो मैं अभी आपको दूसरे वाले ORVM में दिखाऊंगा। ये ब्लैक कलर का है, और कलर में भी ये ब्लैक कलर का ही आता है। यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर्स देखने में मिल जाएंगे इसी के ऊपर, तो इसे अब खोलते हैं। तो यहाँ पे इसका डोर पैनल देखें तो ऐसा कुछ डोर पैनल है, यहाँ पे आपको विंडो के कंट्रोलर वगैरह आपको देखने में मिल जाएंगे। यहाँ पे विंडो के कंट्रोलर है, चाइल्ड लॉक, यहाँ पे अच्छी खासी आपको बॉटल होल्डर की स्पेस मिल जाएगी, वैसे काफ़ी मैसिव स्पेस है। एक चीज़ जो ये मिस करती है वो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स, इसमें आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। ये 25 लाख की गाड़ी है और इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट नहीं मिलती, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है ये। यहाँ पे आपको इस साइड लंबर सपोर्ट भी मिलता है, देख सकते हैं लंबर सपोर्ट मिलता है आपको यहाँ पे, और ऐसा कुछ इसका इंटीरियर देखने में लगता है। यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हैं, इसमें सेफ्टी फीचर है कि जब डोर बंद होगा तो ये बूट ओपन नहीं होगा, तो ये एक और सेफ्टी फीचर में आता है। तो चलते हैं इसकी अब फ्रंट सीट पे। तो सीट्स मैंने ऑल द वे पीछे कर दी है, और यहाँ पे आपको ऐसी कुछ की देखने में मिलती है, लॉक अनलॉक है यहाँ पे बूट ओपन करने के लिए, और आपको ऐसी की भी मिल जाती है ये, तो आपको ऐसी दो की मिलती है। यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ फ्रंट फॉग लैंप और ये रियर फॉग लैंप और ये लाइट का, तो इसमें आपको ऐसा कुछ सिस्टम देखने में मिलता है। और यहाँ पे एक बार मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जब ये गेट बंद होता है तो नेक्स्ट लेवल आवाज़ आती है। तो जो ये है इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताता है कि कितनी ही बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी है इसकी, और इसका इंटीरियर चेकआउट करो यार, कितना ही सुंदर। अब क्वालिटी लेवल्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको हर जगह प्लास्टिक जो है हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, यहाँ पे डिफरेंट टेक्सचर देखने को मिलेगा, ये जो है ये बॉडी कलर से मैचिंग मिलेगा, मतलब जैसा बॉडी कलर वैसा यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट देखने को मिलेगा। तो जैसे ऑरेंज रहेगा तो ये बेज कलर का होता है, ऐसा कुछ सिस्टम है। इसमें आपको ग्लव बॉक्स अच्छा खासा इसका मिल जाएगा, कोल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है, मैं नहीं देख पा रहा इसमें सिस्टम, बट इसमें आप कार्ड डाल सकते हैं, यहाँ पे CD प्लेयर डाल सकते हैं, CD वगैरह डालने का सिस्टम है पूरा, और यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा, इल्यूमिनेटेड ये ग्लव बॉक्स है। तो ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन है, हार्ड प्लास्टिक आपको हर जगह मिलेगा, बट क्वालिटी और फिट एंड फिनिश इतनी बेहतरीन है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील की बात कर लें तो आपको वॉक्सवैगन की जो भी बाकी कार हैं वैसे ही स्टेयरिंग व्हील आपको देखने में मिलेगा,
इसमें आपको यहाँ पे पीछे पैडल शिफ्टर भी मिलते हैं, और ये प्लास्टिक वाले पैडल शिफ्टर हैं, मेटल के होते तो थोड़ा और प्रीमियम लगता। और यहाँ पे इंडिकेटर के आपके कंट्रोलर मिल जाएंगे, और ये वाइपर के कंट्रोलर आपको इस साइड देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको वॉक्सवैगन का लोगो देखने को मिल जाएगा, इस साइड आपको MID के कंट्रोलर मिल जाएंगे, और लेफ्ट साइड में आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोलर देखने को मिल जाएंगे। लेदर रैप्ड ये स्टीयरिंग व्हील है। काफ़ी चीज़ें मिस करती है इसके प्राइस रेंज में, बट स्टिल इसमें आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। ये इतनी महंगी क्यों है इसके बारे में भी अभी मैं बताऊंगा। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है लाइट के साथ, सेम केस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ऐसा ही है। यहाँ पे आपको सनरूफ के कंट्रोलर मिल जाएंगे, एक बार इसे स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन है इसका, तो इसे ओपन करते हैं। तो मैसिव सनरूफ है, इसके कॉम्पिटिशन से छोटा है, बट स्टिल अच्छा खासा आपको सनरूफ मिल जाता है। अच्छा, ब्लाइंड के लिए अलग है इसका सिस्टम, और ये खोलने के लिए अलग है। तो ऐसा मैसिव इसका सनरूफ है, देख सकते हैं काफ़ी ही एरीज फील देता हुआ, और अच्छी खासी इसमें लाइट भी आ रही है। और यहाँ पे आपको IRVM ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पहले SOS वगैरह के बटन आते थे, बट स्टिल अब यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोलर मिल जाएंगे, पैसेंजर एयरबैग ऑन है या ऑफ है वो सब भी बताता है। वॉक्सवैगन की कार है तो सेफ्टी वाइज तो यार इसमें चीज़ें काफ़ी सारी होनी ही है। यहाँ पे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लें तो 10.25 इंच का ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं इसमें आपको रेंज मिल जाएगा, ओवरव्यू, कंजप्शन, ट्रिप, ऑयल टेम्परेचर, स्पीड, रेंज, ऐसी सारी चीज़ें मिल जाती है इसमें आपको। ऑडियो, टेलीफोन, व्हीकल स्टेट्स, ड्राइविंग डेटा, ऑडियो, टेलीफोन, ये सब चीज़ इसमें देखने को मिल जाती है। इसमें हम व्यू में जाएंगे तो व्यू कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा इसका, जैसे देख सकते हैं व्यू। तो इसमें आपको कई सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये डायल भी आप चेंज कर सकते हैं इन्फोटेनमेंट सिस्टम से, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। इसमें आप फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको फ्यूल गेज आ रहा है, और इस साइड आपको इंजन टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कुछ इसका सिस्टम है, बहुत ही बढ़िया देखने में लगता हुआ। अब बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऐसा कुछ देखने में मिलता है, 8 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यहाँ पे मेन्यूज में जाते हैं, इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही फीचर देखने में मिल जाते हैं। कार में जाएंगे तो कार में आप यहाँ से देख सकते हैं, डिजिटल कॉकपिट कहते हैं इसे, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे अभी स्पीड आ रहा है, ये चेंज करेंगे तो रेंज आ गया, तो इस साइड देख सकते हैं रेंज आ गया। फिर मैं चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा, और ये कंजप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं, इस साइड भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर आ जाएगा कि कौन सा गियर चल रहा है, यहाँ पे रेंज आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड, तो ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। इसमें हमें ऐसा कुछ मेन्यू देखने को मिलेगा, अच्छा खासा स्लिक ये इसका डिज़ाइन है, देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ये थोड़ा सा ड्राइवर के साइड टिल्ट है तो देखने में ज़्यादा ईजी हो रहा है, और ज़्यादा ऊँचा भी नहीं है और ज़्यादा नीचे भी नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं होगी इसे पढ़ने में। नीचे के साइड हम बढ़े तो यहाँ पर आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने मिल जाएगा, हैजर्ड लाइट के बटन मिल जाएंगे, पार्किंग असिस्ट का इसमें फ्रंट और रियर में दोनों में ही पार्किंग आपको सेंसर देखने को मिलते हैं। आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के कंट्रोलर मिल जाएंगे। इसमें आपको एक और चीज़ मिलती है जो कि किसी काम की नहीं है, इसमें आपको हीटेड सीट मिलती है दोनों ही फ्रंट में, वेंटिलेटेड होती है तो इंडिया में काम आता। ऑब्वियसली ये CBU यूनिट है, तो ये मतलब बाहर से यूरोप से सीधा बन के इधर ही आई है, तो ये यूरोप के मार्केट के लिए बनी थी, तो इसलिए आपको इसमें हीटेड सीट देखने को मिलता है। अगर इंडियन के लिए बनती तो यहाँ पे आपको वेंटिलेटर सी देखने को मिलती। यहाँ पे आपको क्लाइमेट कंट्रोल के कंट्रोलर मिल जाएंगे जो कि बहुत ही बढ़िया वर्क कर रहा है। नीचे के साइड आपको 2 Type-C के यहाँ पे चार्जर मिल जाएंगे, यहाँ पे 12V का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, इस साइड आपको स्टार्ट स्टॉप बटन देखने में मिलेगा, और अच्छी खासी आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगी। इसमें आपको 7-speed DSG बॉक्स देखने में मिलता है। इसमें एक बार रिवर्स लगा के देखते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ डिज़ाइन देखने को मिलेगा। इसमें आपको अडेप्टिव गाइड लाइन देखने को नहीं मिलती, ये अडेप्टिव नहीं है, और कैमरे की क्वालिटी डिसेंट आपको देखने को मिलेगी। वापस पार्किंग में लगा देते हैं। इस साइड आपको यहाँ पे जो सेटअप है वो बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा, फिट एंड फिनिश एक नंबर है। यहाँ पे आपको पियानो फिनिश देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिलेगी, काफ़ी बढ़िया देखने में लगता हुआ। इस साइड आपको इसमें ऑटो होल्ड और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का सिस्टम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे की रखने का स्पेस है, और यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, 2.5 कह सकते हैं आप। यहाँ पे आर्मरेस्ट के नीचे आपको थोड़ी सी डिसेंट साइज की स्पेस मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ इसका इंटीरियर था, देखने में बहुत ही शानदार लग रहा है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बस ये है कि हार्ड प्लास्टिक वगैरह इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। वैसे काफ़ी ही बढ़िया इसका इंटीरियर है, इसके कंपटीशन से कंपेयर करूँ तो ऑब्वियसली उस लेवल का नहीं है। यहाँ पे मैंने बंद कर दिया तो गुड बाय लिखा आ गया, और यहाँ पे
सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने में मिल गई, जैसे टिगवान में हमें देखने में मिला था सेम वैसे ही है इसमें। अब इसमें सेफ्टी फीचर की बात कर लें तो इसमें आपको 6 एयरबैग देखने में मिल जाएंगे, साथ ही में आपको ESG, हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह जितने भी फीचर हैं सब कुछ इसमें आपको देखने में मिल जाता है। ये महंगी इसलिए है क्योंकि ये CBU यूनिट है, क्योंकि सीधा यूरोप से बन के ये इंडिया में आई है, यहाँ पे असेंबल वगैरह नहीं हुई, इसलिए इतनी महंगी है ये। 25 लाख का इसका ऑन रोड प्राइस पड़ जाता है। तो चलिए अब इसका इंजन देखते हैं। तो इंजन की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले नाइसली पैक्ड इंजन है, देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे आपको कोई भी लोगो वगैरह देखने को नहीं मिलता, तो इसमें आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, एक ही गियरबॉक्स है, एक ही इंजन है। इसमें आपको 1.5 लीटर TSI इंजन देखने को मिलता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 148 BHP एंड 250 Nm ऑफ टॉर्क। यहाँ पे पावर फिगर्स की बात करें तो कॉम्पिटिशन से उतनी ज़्यादा इसमें कोई पावर नहीं है, बट स्टिल जो DSG और इस इंजन का कॉम्बिनेशन है बहुत ही बढ़िया है। ये जब रोड पे चलती है तो बहुत ही स्टेबल चलती है, अच्छी खासी आपको यहाँ पे इंसुलेशन मिल जाती है, और जो इसका हुड था ना बहुत ही हैवी था, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताता है। गाइस यही कुछ इसकी डिटेल थी, प्राइस मैंने आपको बता ही दिया, 25 लाख के अराउंड ये पड़ जाएगी, 24.5 लाख के अराउंड पड़ती है ये ऑन रोड। और एक ही वेरियंट आता है इसका, यही वेरियंट है, और कई सारे आपको कलर के ऑप्शन देखने में मिल जाते हैं। बहुत ही फंकी ये कार है, अगर आप नॉर्मल जैसे क्रेटा वगैरह के अलावा कुछ और देख रहे हैं तो इस पे जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। फीचर्स आपको थोड़े कम मिलेंगे, बट ये CBU यूनिट का फ़ायदा ये है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, और जब रोड पे चलती है ना, इसकी एक बार टेस्ट ड्राइव लेंगे ना तो फ़र्क आपको पता ही चल जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आई होप मैंने सारी चीज़ बता दी हो, अगर फिर भी छूट गया हो कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सबके रिप्लाई करूंगा। एंड इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Peace out.